कैलाश विजयवर्गीय अब मोहन मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं, लेकिन चुनाव से पहले और मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान तक कैलाश विजयवर्गीय को इतना तो यकीन था कि एक दशक से ज्यादा समय के बाद उन्हें आलाकमान ने चुनावी मैदान में भेजा है तो कुछ बड़ा ही सोचा होगा। बीजेपी में वो अपने आप को बहुत बड़े कद के नेता भी मानते रहे हैं और खुद भी कहते हैं कि वो बड़े नेता हो गए हैं। कैलाश का कद भी मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी बड़ा है, इसलिए उन्हें यकीन था कि सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम ही सही, लेकिन उन्हें कद के मुताबिक ही कुछ बड़ा मिलेगा। लेकिन उलट ही हुआ। विधायक दल की बैठक में मोहन यादव को विधायकों ने अपना नेता चुन लिया, जिसके बाद से कैलाश समर्थक भी मायूस दिखे। अब कैलाश विजयवर्गीय मोहन मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। शपथ लेने के बाद विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा, अभी सुनिए। उमा जी के साथ काम किया, बाबूलाल जी गौर साहब के काम किया, शिवराज जी के साथ काम किया मैंने, और अब मोहन जी के नेतृत्व में हम लोग मध्य प्रदेश का विकास करेंगे। और हमने बहुत प्रयास किए मध्य प्रदेश को बेहतरीन बनाने में एक टीम वर्क के साथ, और मुझे कहते हुए गर्व है कि जिस समय हम पहली बार मंत्री बने थे मध्य प्रदेश की सड़क की हालत ख़राब थी, बिजली की हालत ख़राब थी, मुझे सौभाग्य मिला था पीडब्ल्यूडी और पावर मिनिस्टर बनने का, दोनों विभाग हमने ठीक किए, फिर इंडस्ट्री मिली, इंडस्ट्री ठीक की हमने, तो मुझे लगता है कि अभी मोहन जी के नेतृत्व में पूरा टीम वर्क मध्य प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाएंगे। और मोदी जी का आशीर्वाद है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जिस तरह से काम कर रही है और मोदी जी जिस प्रकार हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं, हमें उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा, उनके अनुभव का लाभ भी मिलेगा, और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश एक बहुत तेज गति से विकास करेगा, ये हमें विश्वास है। सर, इस बार क्या ठीक करने वाले? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश के हर वर्ग के लोगों का विकास, गरीब कल्याण अपनी जगह, यूथ को रोजगार देना, महिलाओं का सशक्तिकरण करना, हमारे जो गरीब वर्ग है, दलित वर्ग है, उनको मजबूत करना, और इसलिए समूचे मध्य प्रदेश का जब आपको विकास करना है तो हर वर्ग के विकास की चिंता करना पड़ेगी, और इसलिए हर क्षेत्र में काम करेंगे। बता दें कि मोहन मंत्रिमंडल में 28 मंत्रियों को जगह मिली है, इनमें 18 कैबिनेट मंत्री, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। अब मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या 31 हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी ने लाडली बहनों का भी ख्याल रखा है। मोहन यादव के मंत्रिमंडल में 5 महिला विधायकों को जगह मिली है। फिलहाल अब सभी मंत्रियों को अपने विभागों का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।